بحضرة استشهاد السيد حسن نصر الله، نقول كما قالها أميننا العام الدكتور فتحي الشقاطي: بورك حزب يستشهد أمينه العام، أنا حزب لا يموت وأنا حزب ينتصر. الله أكبر. بسم الله الله أكبر. सैयद अब्बास मूसवी के बाद सैयद हसन नसरुल्लाह ने हिज़्बुल्लाह की कमान संभाली थी, और जब से सैयद हसन नसरुल्लाह ने हिज़्बुल्लाह की कमान संभाली तो दुश्मन इस्लाम को हर मोर्चे पर लगातार शिकस्त दी है। तभी से हिज़्बुल्लाह और हसन नसरुल्लाह के पीछे दुश्मन इस्लाम जैसे इसराइल और उसके हामी मुल्क हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। 2020 से शहादतों का सिलसिला एक बड़ी तादाद में जारी रहा और 27/9/2024 को सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई, जिसके बाद से जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं वो सब गमज़दा हैं, और जो इंसान नुमा शैतान वो खुशी मना रहे हैं। मेरे साथ ज़्यादा तफसीलात से बात करने के लिए मौजूद हैं आगा मौलाना सैयद नामदार अब्बास साहब। जनाब, जिस तरह से देखा गया है कि 20 में कासिम सुलेमानी की शहादत हुई और उसके बाद लगातार लश्कर इस्लाम के तमाम मुजाहिदीन एक के बाद एक साथ छोड़ते जा रहे हैं, और अब जो हसन नसरुल्लाह साहब, एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिससे दुश्मन इस्लाम की रूह कांपती थी, उनके शहीद होने के बाद किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अपने पहले बयान में कहा कि सैयद अब्बास मूसवी के बाद, यानी उस वक्त जिस वक्त सैयद अब्बास मूसवी को इसराइल ने मारा था, तो उस वक्त इसराइल ये सोच रहा था कि हिज़्बुल्लाह ख़त्म हो गई है, जबकि ये शायद हिज़्बुल्लाह का एक बचपना था जिस वक्त, यानी 1992 में सैयद अब्बास मूसवी को शहीद किया गया। उस वक्त तकरीबन 32 या 33 साल की उम्र थी जनाब हसन नसरुल्लाह साहब की, और ये अब्बास मूसवी साहब ने ख़ुद इनकी तरबियत की थी, और उन्होंने एक उस्ताद की हैसियत से उनको चुना भी था अपनी ज़िंदगी के लिए। तो जाहिर है कि ये उनके साथ रहते थे, और ये कमान उसके बाद से इन्होंने जिस वक्त संभाली थी, बिल्कुल जवान थे, 32 साल के एक जवान थे, और ख़ुद उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने जो मनसब संभाला है उस मनसब पे आप कितने साल तक कायम रह सकते हैं, तो उन्होंने कहा था शायद 6-7 साल तक, लेकिन खुदा बंदे आलम ने उनको 32 साल तक और ज़िंदा रखा, और उस 32 साल के बाद उनका दुश्मन जो है, जो हकीकत इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है, देखिए मैं एक बात और ब्रैकेट में कह दूं कि खुदा का शुक्र है कि उसने अपने दुश्मनों को अहमक पैदा किया, और ये दुश्मन की अहमकाना हरकत की एक सबसे बड़ी दलील ये है कि वो ये सोचता है कि कमांडर के मर जाने से ऑर्गेनाइजेशन मर जाता है, गिरोह मर जाता है, लश्कर मर जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इस्लाम शख्सियत परस्ती नहीं सिखाता है। अब्बास मूसवी गए थे तो दुनिया को ये लग रहा था कि हिज़्बुल्लाह ख़त्म हो गई, जबकि हिज़्बुल्लाह बचपने से जवान हो चुकी थी, और 32 साल में इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया इन्होंने कि 2006 में एक नाकाबिले, जिसे कहा जाता है कि तसव्वुर, शिकस्त जो है वो इसराइल को दी और उसे घुटने पर ला दिया एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन ने, और अब तो उन्होंने एक ऐसा पहाड़ बना दिया है कि जिसको हिलाने के लिए भी इनको 80 टन बम गिराना पड़ा ताकि उस पहाड़ को हिला सकें वो, लेकिन पहाड़ अपनी जगह पर है। हसन नसरुल्लाह इस दुनिया से गए हैं, और खुदा वंदे आलम का शुक्र है कि एक हसन नसरुल्लाह जाएगा और खुदा सैकड़ों हसन नसरुल्लाह को पैदा करेगा। फिर जिस तरीके से एक कासिम सुलेमानी के जाने के बाद न जाने कितने कासिम सुलेमानी पैदा हुए, इस्लाम शख्सियत परस्ती कभी नहीं करता, और खुदा वंदे आलम, देखिए बार बार आयतुल्ला खामेनेई एक बात कहते हैं कि खुदा वंदे आलम की हौल व कुव्वत से, उसकी मदद से जनाब मूसा जिस वक्त गए थे
उस वक्त कुछ भी नहीं था उनके पास, और जनाब मूसा को जनाब हारून के साथ खुदावंद आला ने भेज दिया था। तो जनाब मूसा ने कहा कि हम अकेले जाएं, तो खुदा ने कहा इन्नी माकुमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ। तो जहाँ भी हक परस्त लोग होते हैं उनके साथ खुदा होता है और खुदा इंतज़ाम करता है। और इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह हिज़्बुल्लाह जो है रहबर के बकौल दुश्मन के तसव्वुर से कहीं ज़्यादा मजबूत है, और इंशाल्लाह इसी हफ्ते में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे यकीन है जो उसकी ताकत है, जो उसकी कुव्वत है, कि दुनिया को हिज़्बुल्लाह की ताकत सरप्राइज़ करने वाली है। सैयद हसन नसरुल्लाह के जाने के बाद इस मिशन में कोई कमी नज़र आएगी? बिल्कुल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कभी नहीं ख़त्म होता है, वो चलता रहता है। हसन नसरुल्लाह जो 6-7 साल से ज़्यादा नहीं सोच रहे थे कि वो ज़िंदा रहेंगे, उनको खुदा ने 32 साल तक ज़िंदा रखा। तो जाहिर सी बात है जब वो अपने तसव्वुर में पहले से 6-7 साल से ज़्यादा नहीं सोच रहे थे, तो ज़ाहिर है उस 6-7 साल में उन्होंने सारा इंतज़ाम कर रखा होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही चलती है। अब तो इतने उन्होंने नौजवान तरबियत कर दिए हैं कि अभी जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऑप्शन हिज़्बुल्लाह के पास खुले हुए हैं, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह उनके नए जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका भी इंतखाब हो जाएगा, और इंशाल्लाह पूरी आबोताब के साथ फिर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए ये कौम जो है वो तैयार है। और हसन नसरुल्लाह का जुमला मुझे याद आ रहा है कि हम अगर मरने वाली और मिटने वाली और फना हो जाने वाली कौम होते तो हम करबला में मिट चुके होते, हम मिटने वाले नहीं हैं। इमाम खुमैनी कहते थे हमें जितना मारोगे हम उतना मजबूत होते जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इस लश्कर को और इस्लाम को खून मिलता है ना, तो उस खून की आबियारी से ये लश्कर और मज़बूत होता है, और इंशाल्लाह इसी तरीके से ये मज़बूती से आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, जिस तरह देखा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मीडिया और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान का मीडिया हसन नसरुल्लाह साहब को एक टेररिस्ट के रूप में दुनिया के सामने जाहिर कर रहा है, क्या हसन नसरुल्लाह साहब ने किसी के साथ जुल्म किया या इस तरह के कोई वाकये? सबसे पहली बात यह है कि अब आजकल जो मीडिया का हाल है तो मीडिया को कोई सीरियस लेता भी नहीं है। चंद उनके देखने वाले होते हैं और उसमें जो बोलने वाले हैं वो कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ से उनकी फंडिंग हो रही है सारी दुनिया जानती है। तो जाहिर सी बात है कि हसन नसरुल्लाह ने कभी हिंदुस्तान के लिए कभी कोई खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया ज़बान, और वो एक ऐसा शख्स है जिसने मज़लूमों की हमेशा मदद की है। उसने अपने लिए क्या किया है? सब कुछ तो तबाह कर दिया, अपना सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, किसके लिए? मज़लूमीन की मदद के लिए, लोगों की मदद के लिए। तो जाहिर सी बात है कि वो मीडिया क्या कह रहा है, मीडिया को इस वक्त जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो वाकई जिनके यहाँ इंसानियत ज़िंदा है, वो इतना सीरियस लेते नहीं हैं। चूँकि आप ज़रा सा यूट्यूब खोलिएगा और ज़रा सा जो यूट्यूबर्स हैं और इन लोगों को देखिएगा, तो आपको हकीकत खुद ब खुद सामने नज़र आएगी। जिस शख्स का मातम जो है वो दसियों मुल्कों में हो रहा है, जिसकी मौत का मातम और दसियों मुल्कों में जो है वो एहतजाज हो रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान में भी हुआ है और हो रहा है, मजलिसें हो रही हैं, इसाले सवाब की मजलिसें हो रही हैं, उनकी याद मनाई जा रही है, ताज़ियती जलसे हो रहे हैं, तो ये बताता है कि उन्होंने दिलों में कितनी जगह बनाई है। अच्छा, जिस तरह से ये गैबत-ए-कुबरा का ज़माना है और ये जो जंग है, ये क्या आखिरी ज़माने की तरफ कुछ इशारा कर रही है, जिस तरह से बताए कुछ अलामत बताए गए हैं ज़हूर के? जी हाँ, ये जैसे कहा जाता है कि हम यकीनन आखिरी ज़माने में हैं, और बहुत सारी अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर हो रही हैं। उनमें सबसे बड़ी अलामत तो यही है कि अलामतों की दो किस्में हैं, एक हतमी है और एक गैर हतमी है। तो हतमी अलामतों के लिए तो बहरहाल बहुत सारी अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर हो चुकी हैं, गैर हतमी तो बहुत सारी हैं, और उनमें सबसे बड़ी अलामत यह है कि जुल्म व तशद्दुद का बढ़ जाना। ये जो जुल्म बढ़ रहा है, यानी सारी दुनिया देख रही है इस वक्त कि किस तरीके से बच्चों को, बेगुनाहों को, सिविलियंस को मारा जा रहा है, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। कमाल सिर्फ ये नहीं है कि जालिम और दुश्मन जो है वो उजाड़ रहा है, कमाल दुनिया की खामोशी पर है। कमाल इस पर है कि जो लोग ख़ुद को सिविलाइज कहते हैं, जो लोग ख़ुद को बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का अलम बुलंद करते हैं, उन लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है कि साहब ये इसराइल जो है वो एक बच्चों को मारने वाली ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई है। जो IDF है वो जिसे कहा जाता है कि औरतों को और जिसे कहा जाता है कि मज़लूमों के ऊपर जुल्म करने के अलावा इसका और कोई काम है नहीं। तो ये जो है वो जाहिर सी बात है कि बहुत दिन तक नहीं चलेगा, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि खुदावंद आलम जो है इस जालिम को सफाई हस्ती से इंशाल्लाह मिटाएगा। देखा ये जा रहा है कि अक्सर ये दुनिया जो है इस टाइम दो ग्रोहों में तब्दील होती नज़र आ रही है। ये हर ज़माने में हुआ है,
सिर्फ आज नहीं है, हर ज़माने में दो गिरोह रहे हैं। आदम की दो औलाद थी और दो गिरोह में बढ़ चुकी थी, एक हक़ पर था, दूसरा बातिल पर था। हमें अपनी बसीरत से, हमें अपनी ज़िहानत से, हमें अपनी हक़ परस्ती से, हमें अपनी इंसानियत से ये साबित करना होगा कि हम जुल्म करने वालों के साथ हैं या मजलूमीन के साथ खड़े हुए हैं। जो जुल्म करने वाले हैं उनके पास पैसा है, दौलत है, फ़ौज है, वेपन्स हैं, सब कुछ है, उनके साथ खड़े होना कमाल नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके गले कट रहे हैं, जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनको पानी नहीं मिल रहा है, उनके साथ खड़े होना कमाल है ना। तो मजलूमीन के साथ इंसानियत खड़ी हुई है, जालिमों के साथ हैवानियत खड़ी हुई है। तो नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि इमाम हुसैन ने 1400 साल पहले बता दिया था कि शहादत जंग हारना नहीं होता बल्कि जंग जीतना होता है, और हसन नसरुल्लाह की शहादत का जो ये खून इसराइल ने बहाया है, ये एक दिन रंग लेकर ज़रूर आएगा।